हेलो दोस्तों, आज हम मिले एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के एक और जो वैकेंसी आई है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी आई है किस पोस्ट के लिए आई है, आपका जो बहाली होगा वो किस पोस्ट पे होगा, मिनिमम एज क्या चाहिए, मैक्सिमम एज क्या रहना चाहिए, और हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और साथ ही साथ सिलेबस भी देखेंगे, और आप लोग का जो कमेंट आता है कि सैलरी क्या रहेगा, तो सैलरी भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। इस पे आपको गवर्नमेंट जॉब की जो भी वैकेंसी आती है आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आप दोस्तों देखोगे ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है इग्नू का, इग्नू रिक्वायरमेंट 2023 है। इग्नू दोस्तों यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप देखोगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जो है IGNOU का, यानी इग्नू का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। ये दोस्तों एक सरकारी नौकरी है, अभी हम लोग नोटिफिकेशन भी देखेंगे। अब देखो इसमें जो आपका जो रिक्वायरमेंट है ये नॉन टीचिंग स्टाफ का है। अब देखो कि ये यूनिवर्सिटी का है, इसमें आपका जो रिक्वायरमेंट है ये नॉन टीचिंग का है, यानी आप देखो इसका जो पोस्ट रहेगा, आपका दो पोस्ट है इसमें, आपका जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट का है और एक स्टेनोग्राफर का इसमें पोस्ट रहेगा। आपका जो दो पोस्ट है इसमें जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का। अब इसमें आप देखोगे इसका जो एज रहेगा, इसमें एज जो है वो आपका एज रहेगा मिनिमम एज रहेगा जो आपका 18 ईयर्स का रहेगा मिनिमम एज। आप दोनों पोस्ट के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल के रहोगे तभी फॉर्म को फिल करोगे। अब मैक्सिमम एज रहेगा जो जूनियर स्टूडेंट के लिए उसका 27 ईयर्स के रहोगे, यानी 18 से 27 साल के रहोगे तो फॉर्म को फिल करोगे जूनियर स्टूडेंट के पोस्ट के लिए। उसके बाद अब जो स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट रहेगा, स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट रहेगा वो 18 से 30 साल के रहोगे तो फॉर्म को फिल करोगे। यहाँ देखोगे 18 है मिनिमम और मैक्सिमम एज रहेगा वो आपको 30 ईयर्स रहेगा, 30 साल के रहोगे तो फॉर्म को फिल करोगे। इसमें आपको छूट भी मिल जाएंगे, ओबीसी के हो तो आपको 3 ईयर्स के मिलेंगे और SC ST कैटेगरी के हो तो आपको 5 ईयर्स के छूट मिलेंगे। अगर आप PWD कैटेगरी के हो तो आपको 10 ईयर्स के छूट मिलेंगे। अब देखो यानी आपका जो मैक्सिमम जूनियर स्टूडेंट का जो मैक्सिमम एज 27 साल के था, पर आप ओबीसी रहोगे तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, यानी आपका जो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स हो जाओगे तब आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, 30 ईयर्स तक भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, यानी 18 से 30 साल तक भी रहोगे तो फॉर्म को फिल करोगे। अगर आप SC ST के हो यानी आप इसमें 5 बोल लो दोस्तों, यानी कि आप 33 साल के रहो, 32 साल के तक रहोगे तो फॉर्म को फिल करोगे। PWD कैटेगरी को इसमें आप 7 जोड़ दो, ये 10 जोड़ दो, यानी 27 से 10 जोड़ोगे 37 साल तक भी रहोगे तो फॉर्म को फिल करोगे। ये दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए। अब आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो फिल करोगे उसके लिए भी आपको यही छूट मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल के मिलेगा और SC ST के लिए 5 ईयर्स के मिलेगा, और PWD कैटेगरी के हो तो आपको 10 ईयर्स के छूट मिलेंगे। ये आपका हो गया एज के, एज का रिक्वायरमेंट जो हो गया आप देख लीजिए। अब देखोगे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट हो गया और एज हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो इसमें भी पोस्ट है, यानी जो पोस्ट है यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें जो टोटल जो सीट है आपका वो आपका 102 सीट है। टोटल जो सीट है आपका 102 सीट है इसमें, यानी दोनों पोस्ट के मिलाकर 102 सीट है। अब जूनियर असिस्टेंट के लिए जो सीट है वो आपका 50 सीट जूनियर असिस्टेंट के लिए सीट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका जो 50 सीट है आपका इसका है जूनियर असिस्टेंट के लिए। अब स्टेनोग्राफर के लिए जो सीट है वो आपका 52 सीट रहेगा, स्टेनोग्राफर का सीट रहेगा जो 52 रहेगा स्टेनोग्राफर का, यानी जो 50+52 यानी 102 हो जाएगा, यानी 102 सीट हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये फॉर्म को जरूर फिल करना। आपका ये हो गया, हमने एज देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ 12 चाहिए, अगर आप 12 की हो तो फॉर्म को फिल कर लोगे, 12 की हो तो फॉर्म को फिल कर लोगे। अब हम बात करते हैं कि आपका जो फी लगेगा, जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको फी पे करना पड़ेगा। आपका जो फी लगेगा वो आपका लगेगा 1000 रुपीज लगेंगे। ये 1000 जो लगेंगे वो आपको सारे कैटेगरी के लिए नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ लगेंगे जनरल कैटेगरी को तो 1000 लगेंगे, अगर ओबीसी कैटेगरी को तो आपको 1000 लगेंगे। अब एक और आप यहाँ देखोगे जो यहाँ पर लिखा है फी में 600, यानी आप SC और ST हो या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको सिर्फ 600 रुपये लगेंगे। अगर आप PWD कैटेगरी को हो तो आपको 0 रुपये लगेंगे, यानी कोई चार्ज नहीं लगेगा। फॉर्म फिल करोगे फिर आप कॉस्ट फॉर्म को फिल करोगे, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा आपको। ये आपका फी हो गया। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इसका जो सिलेक्शन होता है वो किस बेस पे सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको CBT एग्जाम देना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, एक पेपर होगा जो कि CBT का बेस आपको होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा आपको, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका एक जो होगा
एक स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में भी हम बात करेंगे। स्किल टेस्ट में आपको क्या होगा, स्किल टेस्ट आपका होगा, स्किल टेस्ट होगा यानी कि आपको देखोगे आपका टू स्टेप है सिलेक्शन लेने के लिए, आपको टू स्टेप है। फर्स्ट जो है आपको सीबीटी क्वालिफाइड करना होगा, और जो सेकंड है आपको स्किल टेस्ट अभी क्वालिफाइड करोगे तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, यानी आपको इस पोस्ट आपको मिल जाएंगे। ये पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का, यानी दोनों पोस्ट के लिए आपको दो स्टेप है, सीबीटी है और एसटी है, यानी कि स्किल टेस्ट आपका रहेगा। हमने देख लिया यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया। अब आप लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो सैलरी की बात आती है, किसा सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी आपको जो मिलेंगे आपका जो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको जो मिलेगा सैलरी जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 19,900 से आपको जो मिलेंगे, आपको जो स्टार्टिंग रहेगा वो आपका रहेगा 19,900 से आपका स्टार्टिंग रहेगा। अब इसका जो जो मैक्सिमम रहेगा आपको मिलेगा वो 63,200 तक आपका सैलरी रहेगा। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका सैलरी रहेगा, हो गया जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका सैलरी हो गया। अब एक और जो स्टेनोग्राफर का, स्टेनोग्राफर का जो सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा आपका 25,500 से आपका ये जो रहेगा आपका रहेगा 81,100 तक आपका ये सैलरी रहेगा। ये दोस्तों सैलरी रहेगा, ये गवर्नमेंट जॉब है। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को देखें, आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया, ये नोटिफिकेशन ये पब्लिश किए गए, ये गवर्नमेंट के ये वैकेंसी है दोस्तों, आपको ये परमानेंट आपको जॉब है, ये इसका सैलरी भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सिलेबस को लेके, जो कि सिलेबस आपका एक जो एग्जाम होगा सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले आपको सीबीटी होगा एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका जो सिलेबस रहेगा ये दोस्तों दोनों पोस्ट के लिए है, आप चाहे जूनियर असिस्टेंट के लिए हो चाहे स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए हो, ये दोनों पोस्ट के लिए सिलेबस है, ये सीबीटी के लिए। इसमें आपको देखोगे आपको जो सिलेबस रहेगा वो आपका रहेगा वन पेपर सेकंड थर्ड, यहाँ पर अब है यहाँ पर फोर्थ है, नहीं यानी देखोगे सॉरी यहाँ पर फोर्थ है यहाँ पर फाइव है, अब देखोगे यहाँ पर फाइव सेशन रहेगा इन सिलेबस में आपको रहेगा। जो फर्स्ट रहेगा वो आपका रहेगा मैथ एबिलिटीज का रहेगा आपको, यानी जो मैथ रहेगा आपका जो सिलेबस है आपका मैथ रहेगा, मैथ जो रहेगा वो 30 मार्क्स के आपको मैथ रहेंगे, यानी आप देखोगे 30 मार्क्स का आपको मैथ रहेंगे। उसके बाद आपको जो सेकंड जो रहेगा वो आपका एक रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग भी आपको जो रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग भी जो आपका रहेगा वो 30 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा। उसके बाद आपका जो एक रहेगा हिंदी और इंग्लिश आपका लैंग्वेज रहेगा, इसमें आपको जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपका क्वेश्चन रहेगा, उसका जो आपका मार्क्स रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका होगा जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसमें भी आपका जो मार्क्स रहेगा वो आपका 30 मार्क्स के आपको जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आएंगे। आप दोस्तों देखोगे 30 मार्क्स के लिए आपको जनरल अवेयरनेस का होगा। उसके बाद एक और जो होगा एक होगा कंप्यूटर आपका नॉलेज मॉड्यूल का रहेगा, उसमें क्वेश्चन जो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको रहेगा, उसमें भी आपको जो रहेगा 30 मार्क्स के रहेंगे। यानी आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर देखोगे आपको जो टोटल जो सिलेबस हो गया इसका जो टोटल जो मार्क्स रहेगा वो आपका रहेगा 150 मार्क्स के रहेंगे। आप यहाँ पर देखोगे 500 का ऐड कर लोगे तो आपको रहेंगे टोटल जो मार्क्स रहेंगे आपको 150 मार्क्स के, आपको ये आपका सिलेबस है, यानी आपका जो सीबीटी जो होगा वो आपका 150 मार्क्स का आपका रहेगा, सीबीटी वन रहेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपका एक टाइपिंग होगा, हिंदी टाइपिंग होगा और आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा, यानी सीबीटी क्वालिफाइड करोगे तो आपको स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग कराया जाएगा, हिंदी की भी टाइपिंग कराया जाएगा और आपको इंग्लिश की भी टाइपिंग कराया जाएगा, उसको भी आपको क्वालिफाइड करना है। उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे, यानी आपको पोस्ट मिल जाएंगे, ये पोस्ट आपको मिल जाएंगे अगर क्वालिफाइड कर लोगे तो आपको ये पोस्ट मिलेंगे, जूनियर असिस्टेंट के मिलेगा स्टेनोग्राफर के मिलेगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट क्या रहेगा, जो फॉर्म फिल करोगे तो इसका लास्ट डेट क्या रहेगा। लास्ट डेट आपको जो दोस्तों रहेगा वो आपका 21 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर लोगे 2023, यानी दोस्तों ये फॉर्म जो फिल करोगे फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, फॉर्म जो फिल करोगे आप 21 दिसंबर तक फॉर्म को फिल कर लोगे, 21 दिसंबर तक आप फॉर्म को इसमें फिल कर लोगे। उसके बाद आपका जो करेक्शन करने का जो डेट है, यानी फॉर्म फिल करोगे फॉर्म फिल करने में किसी से मिस्टेक भी हो जाता है तो आप उस मिस्टेक को सुधारने के लिए यानी करेक्शन करने का जो डेट है वो आपका जो डेट रहेगा वो आपका रहेगा 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। यानी आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का वो 21 दिसंबर है, अगले डेट से आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो, जो एडिट करने का जो डेट रहेगा आपका 22 से 25 तक रहेगा, 25 तक आप एडिट करोगे। आपने देख लिया यहाँ पर जो वैकेंसी है ये दोस्तों गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ये फॉर्म को जरूर फिल करना, और ऐसे ही दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी जैसे जैसे आती है आपको इस चैनल पे वीडियो मिलते रहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना,
चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।